आप एक चीज देखो, जहाँ जहाँ बीजेपी का कोई बूथ होगा वहाँ कभी ईवीएम खराब नहीं होती। पूरम में क्या करेंगे? पूरम में और करना क्या, एक ही काम है खदेड़ा के तख्त बदल दें, ताज बदल दें, और जो हमारी तरफ उंगली उठाए उसका राज बदल दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जो खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो हम जो इलेक्शन की खबरें दिखाई, गांव में जाकर दिखाया, माहौल दिखाया, और आज जो है ये जो है पर्व, जो महापर्व जिसे कहा जाता है, आज पहला दिन है यूपी का और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाटों का गढ़ माना जाता है, यहाँ पे चुनाव हो रहा है। और अब तक लगभग जो है 5 से 6 घंटे का चुनाव हो चुका है और खबर आ रही है कि कई जगह जो है ईवीएम की मशीन जो है अभी ख़राब नज़र आ रही है। हमारे साथ है अनंत ताऊ जो अभी अभी वोट डाल के आए हैं। अनंत ताऊ, क्या मुद्दे रहे? कहीं हिजाब तो नहीं रहा मुद्दा? मुद्दा रहा किसानों का, मुद्दा रहा बेरोजगारों का, मुद्दा रहा शिक्षा का, मुद्दा रहा स्वास्थ्य का, और मुद्दा रहा महंगाई का। हिजाब चला एक दिन पहले बहुत, ये हिजाब और खिजाब हम जानते ही नहीं। हम जानते हैं कि जो 700 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई है उसे जानते हैं, जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं हम उसे देखते हैं, जो बच्चे रोज लाठियां लखनऊ में, बनारस में और प्रयागराज में खाते हैं उन्हें देखते हैं। सुबह सुबह योगी जी का मैसेज आता है कि आप शांति में वोट दें, दंगे वाली सरकार नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं चाहिए दंगे वाली सरकार का, खदेड़ा कर देगी ये जनता। किसका खदेड़ा करेंगे? अरे और कौन है दंगे वाले, एक ही तो समाजवादी को कहते हैं वो। अरे नफरती चिंटू जो हर जगह नफरत की बात करते हैं, और वो योगी जी और मोदी जी। वोट डाल दिया ना आपने? हाँ ये डाल दिया। देखिए अरविंद ताऊ जो है वोट डाल चुके हैं और बात करेंगे ईवीएम की। खबर आ रही है कम से कम 11 शहरों में ईवीएम खराब दिखी, लोनी में भी कम से कम 2 घंटे खराब रही। ईवीएम के बारे में क्या कहेंगे? जहाँ 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 भी खराब हुई होंगी वहाँ वहाँ विपक्ष का बूथ होगा, ये आप देख लो ना, आप पत्रकार महोदय हो। विपक्ष का बूथ होगा मतलब समझा नहीं मैं। जानबूझ के की जाती है खराब, जानबूझ के की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो गया ताकि वोट कम पड़े वहाँ, कम पड़े सरकार के खिलाफ वोट कम पड़े। आप एक चीज देखो, जहाँ जहाँ बीजेपी का कोई बूथ होगा वहाँ कभी ईवीएम खराब नहीं होती। यहाँ का क्या हाल है? वोट डाल के आए, ईवीएम सही था? यहाँ तो खदेड़ा होना है, खदेड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चल चुका है, चल चुका और है? शाम को 5 बजे 5-6 बजे जब वोटिंग खत्म होगी तो ये लोग पता क्या नारा देंगे, क्या नारा चलो पूरब की ओर, पूरब की ओर, पूरब की ओर। तो पूरब में भी क्या करेंगे? पूरब में क्या करेंगे? पूरब में और करना क्या, एक ही काम है खदेड़ा। अच्छा ईवीएम में वोट डाला सही हुआ ना? सही, सब कुछ गलत तो नजर नहीं आया आपको कुछ यहाँ पे? जहाँ हम तो पढ़े लिखे हैं, जहाँ गलती करेंगे ना टैटवा पकड़ लेते हैं हम, जो हमारे सामने गलती करे टैटवा पकड़ लेंगे, टैटवा पकड़ लेंगे, हमारे सामने गलती कैसे कर देगा। क्या लग रहा है और क्या मुद्दे, जैसे कि कह रहे हैं कि राम भगवान लहराएंगे, ये सब मुद्दे? ये जनता का ध्यान भटकाने का, एक मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, बहुत मनाया माने नहीं, जाटों को बहुत मनाया, 13 महीने तक सड़कों पे पड़े थे, जब हम तो गए थे उनसे मिलने तब कहाँ थे ये लोग, तब कहाँ थे। तो ये सब मुद्दे रहेंगे और एक चीज बहुत बड़ी रहेगी, क्या कि तख्त बदल दें, ताज बदल दें, और जो हमारी तरफ उंगली उठाए उसका राज बदल दें। कौन, किसने उंगली उठाई? योगी ने, राज बदल देंगे। देखिए उसने हमारे सर का ताज है, जिसको हम 36 बिरादरियों ने पगड़ी पहना के अपना सर का ताज बनाया, जैन चौधरी को, इन्होंने हाथरस में उसको मारने की कोशिश की लाठियों से, और उसे एक एक लाठी का बदला आज बटन ईवीएम का बटन दबा के पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान ले रहा है।